अमेजोन में ऑनलाइन अप्लाई किया और अमेजोन वेयर हाउस में जॉब लग गई। आप एज अ डिलीवरी ड्राइवर कर रहे हो ओके तो आपको मिनिमम वेज मिलेगी 13 pound के करीब। दुकान दुकान पे जाके रिज्यूमे बांटने होते हैं। डोमिनोज में मिनिमम वेज है अभी तो 10.42 समथिंग अराउंड दैट। हाँ 1000 pound में इजीली अपना एक्सपेंसेस निकल सकता है ओके और मे बी हम वेकेशन में काम करें तो शायद फीस के लिए भी इकट्ठा कर ले। हाँ अभी तो मिल गई है लेकिन 3 महीने तक तो मैं घर ही बैठा था। amazon.force.com नाम की वेबसाइट है तो अगर नाइट शिफ्ट करते तो महीने के 950-1000 pound बन जाते। हाय गाइस दिस इज रेडी बॉय लेस्टर में था टेस्को में और पीछे से आवाज आई अपना भाई मिला है गुजरात से। भाई क्या नाम है? हेलो माय नेम इज आदित आदित नरूला। अरे आदित्य और आदित्य मजा आ गया भाई। आदित्य और आदित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य का मतलब द सन। अरे वाह नाइस भाई नाइस। तो आप कब से यूके में हो? मैं 4 महीने से यूके में हूँ लेस्टर। अच्छा। में और क्या पढ़ रहे हो आप? मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में मास्टर्स। ओ वेरी नाइस। तो कैसी जा रही है जर्नी? हाँ अभी तक तो बढ़िया जा रही है ओके आगे भी शायद अच्छी ही जाए। वेरी नाइस। तो भाई पहचान कैसे लिया मुझे आपने? आवाज़ लगाई टेस्को में कैसे मतलब? हाँ बस मैं अभी सो के उठा था और टेस्को में सामान खरीदने आया था और मैंने कल रात ही आपका वीडियो देखा था वो युवराज सिंह वाला। अच्छा वो युवराज गंसोला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और मैंने पहचान लिया कि भाई एडी बॉय ही है। चलो बहुत बढ़िया। तो वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे वीडियो? इससे पहले भी कुछ देखा या पहली बार देखा था? नहीं 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 इससे पहले भी मैं इंडिया में था तब भी देखता ही था आपके वीडियो। अच्छा फिर ठीक है। तो कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी या सिर्फ फालतू बातें? नहीं नहीं जो आप इंटरेक्शन करते हो ना बच्चों के साथ वो मेरे को बहुत बेस्ट लगी आपकी चीज़। चल भाई थैंक यू। आप लोगों की हेल्प हुई इसलिए इंटरेक्शन करता हूँ। आपने पहचान लिया तो मैंने कहा भाई से बात करूँ। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पहचानते हैं भाई। तो भाई यूनिवर्सिटी कौन सी बताई थी आपने? मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन में हूँ। लिंकन में पढ़ और आप मास्टर्स कर रहे हो? हाँ मास्टर्स। कोर्स क्या आपका? एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 साल का कोर्स। अरे वाह केमिस्ट्री भाई पढ़ाकू बच्चा बहुत बढ़िया। तो भाई मतलब जैसे जर्नी रही इंडिया से आप आए हो कुछ बताओ बच्चों को अकोमोडेशन वगैरह कैसे सॉर्ट आउट करी और कैसे जा रहा है सब कुछ? अकोमोडेशन के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि भाई इंडिया से पक्का करके आओ तो बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही है अभी अकोमोडेशन को लेकर। मेरा तो दोस्त था इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। हम लोगों ने साथ में मिलके एक जुगाड़ कर लिया था। ओके तो और जुगाड़ कैसे किया मतलब यहाँ के ढूंढा खुद ही? नहीं नहीं मेरा दोस्त सितंबर इंटेक में आया था। अच्छा। मैं जनवरी में हूँ तो वो आपसे पहले आ गया था तो उसके पास अकोमोडेशन थी तो आपका भी काम हो गया। हाँ तो मेरा भी उसके साथ ही काम हो गया। ओके बट वरना रिकमेंड आप भी करते हो कि पहले ही करके आओ ढूंढ के आओ क्योंकि यहाँ पर मैंने बच्चे देखे कि लोग गुरुद्वारा में जाके सोते और बीच रास्ते में कहीं पर घूमते रहते और कुछ भी हो नहीं पाता है। अकोमोडेशन के बारे में हमेशा मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है आपको सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करना है। सही बोल रहा हूँ भाई? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है कोई भी अकोमोडेशन के बारे में पूछना हो कमेंट्स करो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। तो भाई अकोमोडेशन के बाद आप आ गए एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो कैसा लग रहा है इंडिया से कैसा लगा आपको डिफरेंस? एजुकेशन सिस्टम टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर थोड़ा लो फील हुआ ओके क्योंकि इंडिया में शायद मेरा इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है ओके लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा वैसा लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। अच्छा अभी सिर्फ 4 ही महीने हुए और हमारा 2 ही कोर्स चले अभी। अच्छा इसलिए मैं भी अगर ज़्यादा पढ़ूंगा मैं हाँ तो मुझे ज़्यादा इंटरेक्शन में समझ आएगा। तो अभी आपको थोड़ा मतलब डिफरेंट लग रहा है इंडिया से? हाँ बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ओके क्योंकि इंडिया में हम सब क्या रट्टा लगा रहे थे यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है। अच्छा प्रैक्टिकल पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। I'm sure कि you'll get used to it. हाँ हाँ थोड़ा सा शुरू में आते हैं तो शायद मुझे अभी दिक्कत हो रही है लेकिन आगे मैं used to हो जाऊँ तो हो जाएगा बात। नहीं नहीं बिल्कुल। तो पढ़ाई से you are getting used to but वैसे education system आपको अच्छा लग रहा है like is it something कि आप UK आए हो तो आपको लगता है is it worth it इंडिया से यहाँ आकर मास्टर्स करना या आपको what is your opinion? Worth it तो worth it है लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपका relevant course लेके आओ तो आपको ज़्यादा मालूम पड़ेगा क्योंकि okay. यहाँ पर मैंने बच्चे देखे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे और यहाँ पर आके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और IBM ये सब कोर्स कर रहे तो उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा तो वो पढ़ो जो आपको समझ में आया जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। हाँ एक्चुअली सिर्फ ये मत सुनो कि क्या पॉपुलर है। हाँ आपकी फील्ड का कोर्स चुनो तो वो सही रहता है। ओके okay, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो फॉर द कोर्स और गो फॉर समथिंग यू लाइक टू डू और यू वॉन्ट टू बी इन लाइफ। आपको जो पसंद है उसको फॉलो करो। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ। बाकी आप लोग पढ़ रहे हो आप ज़्यादा जानते हो। एजुकेशन सिस्टम का हो गया। अच्छा दोस्त हैं क्या? हाँ आ जाओ भाई आप भी आ जाओ। दो भाई और आ रहे हैं हमारे टेस्को में टेस्को से। तो भाई
आ जाओ जल्दी आ जाओ, मेरा लॉग ऑन है भाई, आटा खरीद लिया है, बहुत बढ़िया आज तो खाना बनेगा। आजा भाई आजा, क्या नाम है भाई का? रोहन। रोहन भाई आप कहाँ पर पढ़ रहे हो? लिंकन यूनिवर्सिटी। रोहन भाई भी लिंकन पे है, भाई के आदित्य के साथ ही मिले हैं अभी, ये टेस्को से आ रहे थे। और रोहन भाई कैसी जा रही है जर्नी? पहले तो टफ थी बहुत, लेकिन अभी नॉर्मल है। अच्छा अभी नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है? कितना टाइम हो गया यूके में? मेरा कम से कम देखो ना ये आठवां महीना चल रहा है ये। अच्छा अच्छा, तो लास्ट सितंबर में मैं आया था। अभी आदित्य से मैं अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा था, वो बोल रहा था कि मस्ट है कि बुक करके आओ। सही है, आप भी यही बोलते हो। आदित्य भाई ये बता, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई है? हाँ अभी तो मिल गई है, लेकिन 3 महीने तक तो मैं घर ही बैठा था। 3 महीने लगे तो फिर कैसे मिली भाई? बच्चे पूछते हैं पार्ट टाइम के बारे में, कुछ प्लीज बताओगे? और कहाँ पर काम कर रहे हो आप? वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑनलाइन सर्च करना होता है। ओके। और दुकान दुकान पे जाके रिज्यूमे बांटने होते हैं और फॉलो अप लेना होता है उनका कि भाई क्या हुआ, वैकेंसी निकली कि नहीं, ये सब। मतलब बार बार जाओ? हाँ बार बार जाओ, बिल्कुल सही। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एक बार में मत गिव अप मत करो, यू हैव टू गो अगेन। तो भाई आप कहाँ पर काम कर रहे हो फिर अभी फाइनली? हाँ अभी तक मैं पहले डीपीडी वेयरहाउस में काम करता था। ओके। एक हफ्ते तक वहाँ पर किया। हाँ। और बाद में अमेजोन में ऑनलाइन अप्लाई किया और अमेजोन वेयरहाउस में जॉब लग गई। वेरी गुड। तो अमेजोन कितना पे करता है पर आवर स्टूडेंट्स को ऑन एवरेज? अमेजोन का बेस पे 11 पाउंड है। ओके। और नाइट शिफ्ट करते हैं तो 1.5 पाउंड ज्यादा देते हैं पर आवर। तो मतलब दिन में इफ यू वर्क 1 घंटे का 11 पाउंड, रात को करोगे तो 1250 पर आवर। तो अगर आप कितने आवर्स काम करना अलाउड है? 20 या 20 आवर्स स्टूडेंट को 20 आवर्स। तो अगर आप 20 आवर्स करते हो मिक्स ऑफ शिफ्ट सुबह या रात की, तो ऑन एवरेज महीने में कितने पैसे बन जाते हैं? अगर नाइट शिफ्ट करते तो महीने के 950-1000 पाउंड बन जाते, पार्ट टाइम काम करके। तो भाई अगर ऑन एवरेज 1000 पाउंड बन जाते हैं काम करते हुए, तो क्या इसमें खर्चा निकल सकता है? बच्चे जो पूछते हैं उनका महीने का लाइक मंथली एक्सपेंसेस पे ऑफ हो जाते हैं उसमें? हाँ 1000 पाउंड में इजीली अपना एक्सपेंसेस निकल सकता है। ओके। और मे बी हम वेकेशन में काम करें तो शायद फीस के लिए भी इकट्ठा कर ले, क्योंकि वेकेशन में फुल टाइम अलाउड है। भाई आप भी काम कर रहे हैं? हाँ। और आप कहाँ कर रहे हैं भाई? मैं डोमिनोज में कर रहा हूँ। अरे वाह, मैं भी हॉस्पिटैलिटी से हूँ। कैसे जा रहे हो डोमिनोज में? डो बनवा रहे हैं? इंस्टॉलर और ड्राइवर। इंडिया में तो कुछ नहीं करते थे, डोमिनोज में काम करके ऐसी रोटी बनानी आ जाती है कि मजा आ जाए। पता है डोमिनोज वाले बहुत डो बनवाते हैं भाई। तो डोमिनोज में क्या पे है भाई पर आवर? डोमिनोज में मिनिमम वेज है अभी तो 10.42 समथिंग अराउंड दैट। ओके। और अगर आप एज अ डिलीवरी ड्राइवर कर रहे हो ओके, तो आपको मिनिमम वेज मिलेगी 13 पाउंड के करीब करीब, क्योंकि आपको वो फ्यूल का भी चार्ज देते हो अलग। ओके। तो अगर किसी को डिलीवरी ड्राइवर की जॉब्स करनी है एज अ स्टूडेंट, मान लो वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश से आते हैं, तो क्या वो ड्राइव कर सकते हैं सीधा या उनको अपना लाइसेंस चाहिए? उनको वहाँ का इंटरनेशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले। वो अपनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिया से आ रहे हैं तो वो कैसे लेगा उसको? उनको वहाँ पे जाके RTO से उसका लाइसेंस निकालना पड़ेगा, इंटरनेशनल लाइसेंस। अच्छा, पर स्टूडेंट वीजा पे मिल जाता है ना? मिल जाता है। अच्छा, तो किसी बच्चे को अगर इंटरनेशनल लाइसेंस लेना हो, जब वीजा लग जाए तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो यहाँ के ड्राइव कर सकते हैं शायद एक साल कर सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट वीजा के बाद इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आ रहे हो तो 1 साल ड्राइव कर सकते हो। तो मतलब आके वो डोमिनोज में डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 13 पाउंड्स पर आवर। ओके, वेरी गुड। तो ऑन एवरेज डोमिनोज में भी काम करोगे तो 900-1000 बन जाएगा आपका। और आपकी क्या राय है, खर्चा निकल जाता है? खर्चा आराम से निकल जाता है। और आपने अमेजोन पे अगर वापस आए तो अमेजोन में अगर आप कोई अप्लाई करना चाहे यहाँ के, तो कैसे करे भाई? अमेजोन की टोटल प्रोसेस ऑनलाइन ही होती है, उसमें कोई किसी का भी रेफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं चलता। okay. है, टोटल ऑनलाइन ही चलता है। ठीक है। amazon.force.com नाम की वेबसाइट है। ओके। अमेजोन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ। वहाँ पर फुलफिलमेंट सेंटर में, वेयर हाउस में वैकेंसीज निकलती रहती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। ओके, सो ऑनलाइन जाए इस वेबसाइट पे जो आपने बताई है, क्या नाम है दोबारा बताइए? amazon.force.com। ठीक है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे और इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। You can look for jobs। हाँ। और ठीक है, और भाई डोमिनोज में अगर कोई करना चाहता है पार्ट टाइम, वो कैसे अप्लाई करें? एक वेबसाइट होती है domino's.career.com। ओके। और .uk, अगर ये आप वहाँ पे जाके आपको ऑप्शन देंगे, आपको डिलीवरी करनी है या इंस्टॉल में जाना है, स्टोर मैनेजर, शिफ्ट मैनेजर, वहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है सब कुछ वहाँ पे उनका अलग अलग दिया। और अगर कोई मैनेजर नहीं बन सकता, जो यूजुअली स्टार्ट किससे करते हैं? यूजुअली इंस्टॉल से कर सकते हैं आप, इंस्टॉल, जैसे बेसिकली बच्चे आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है तो। और वो क्या वेबसाइट बताई थी, सॉरी दोबारा बोलिए? domino's.uk।
domino's.uk, तो इस पे आप जाके सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन. ओके, लेस्टर में है तो लेस्टर, नॉटिंगम, लंदन, जहाँ भी आप बेस्ड हैं तो वो कर सकते हैं. यार आपने पार्ट टाइम काम के बारे में इतना कुछ बताया, बच्चे बहुत पूछते हैं क्योंकि आजकल यूके सितंबर इनटेक आने वाला है. एकोमोडेशन के बारे में भी आपने बताया, एजुकेशन सिस्टम भी आपने बताया कि थोड़ा सा टाइम लगता है. और कुछ आप दोनों बताना चाहेंगे जो बच्चे प्लान कर रहे हैं सितंबर में आने के लिए 2023 में, वो क्या चीज़ करें जो आप लोगों से मिस हो गई, या क्या आप उनको गाइड कर सकते हैं कि उनको थोड़ा फ़ायदा मिले? पहले तो कांटेक्ट यहाँ पे दोस्त हो वगैरह जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई कीजिए, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके उनके कांटेक्ट कीजिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके बारे में पहले पूरा जांच करिए. और उसकी पढ़ाई के बारे में भी आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे कैसे होता है, असाइनमेंट वगैरह कैसे आप बना सकते हो वो सब. फिर यहाँ पे एक्सपेंस कैसा होता है भाई, पहले तो वो बात की अपना अकोमोडेशन पहले ही बुक करवाना है. बिल्कुल, हमेशा की तरह ये सबसे इम्पोर्टेंट. अगर अकोमोडेशन नहीं बुक किया तो आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे. तो जो भाई ने बात बताई है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो यूनिवर्सिटी के, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करो, आने से पहले ही नेटवर्किंग करनी चालू कर दो. क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इससे आपको फायदा होगा. और बच्चे क्या लेकर आए, क्या ना लेकर आए, क्या बोलना चाहोगे? मैं सबसे लाइफ सेविंग टिप्स ये दूंगा कि मिनिमम 6 मंथ का लिविंग एक्सपेंस अपने साथ लेके आओ. 6 मंथ्स, वाओ. हर बार मैंने 2-3 महीने सुना है, पर आप लोग अच्छा 6 मंथ के हालात ऐसे है ना कि हम मिनिमम 6 मंथ का तो मान के ही चलो, 6 मंथ तक की अगर आपको काम ना मिले. और 6 मंथ्स में अगर कोई आ रहा है नॉर्मल फैमिली से बच्चा, तो कितना मिनिमम उसको चाहिए? एक लेस्टर, नॉटिंगम, हर सिटी का डिपेंड करता है, लंदन एक्चुअली थोड़ा और महंगा है, बट एवरेज जैसे आप यहाँ पर हैं, कितना मिनिमम बच्चे को चाहिए? मतलब कि सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं एक एवरेज बता देता हूँ कि अपना 350 रूम का हो गया. 350 तो अभी चल ही रहा है, ओके, इससे नीचे मिल जाए तो बहुत बढ़िया. 350 रूम का और 60-70 पाउंड एक खाने पीने का, ये सब मिनिमम मंथली. मिनिमम 60-70 पाउंड, तो मतलब ऑन एवरेज 500 पाउंड चाहिए 500 तक, अगर आपका एक बेसिक लाइफस्टाइल है तो. तो गाइज ये बहुत अच्छी बात बताई है. दोनों भाइयों ने लिंकन में पढ़ रहे हैं, रिसेंटली आए हैं 2-3 महीने पहले. जो बच्चे भी 2023 में आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सुनो इनसे. और कुछ आप बोलना चाहोगे एक्सपेंसेस के अलावा? एक्सपेंसेस में दूसरा ऐसा है कि आप यहाँ पे अगर आओगे तो गारंटेड ज़रूर लाना. गारंटेड मीन्स कोई अपना फ्रेंड हो, पापा के रिलेटिव्स हो, कोई भी उनका रिलेटिव्स हो, तो उनको गारंटेड ज़रूर कुछ करना. गारंटर आपको, आपके पास गारंटेड नहीं होगे तो okay. आपको 2 मंथ का एडवांस रेंट पे करना पड़ेगा. अच्छा, थोड़ी प्रॉब्लम है. जो बच्चे किसी को नहीं जानते तो वो एडवांस लेकर आए, तो ये भी प्रॉब्लम है. ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा टिप है. अगर आप किसी को जानते हो तो ठीक है, वरना तो यू विल हैव टू पे एडवांस, ही तो हर जगह ही होता है. भाइयों बहुत अच्छी बातें बताई हैं आपने यार. मैं भाई ने पहचान लिया आदित्य ने टेस्को में, और भाई भी मिल गया. क्या खरीद के लाया है? बस ये आटा खरीद के लाया. 5 kg आटा. बिल्कुल भाई, अब जब रोटियां बनेंगी तो मुझे भी बुला लेना फिर. साथ में खाना खाया जाएगा. बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलकर यार. दिस इज योर आडी बॉय. कुछ और पूछना है तो यार कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. बिल्कुल बोल भाई, बोल 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 बोल. बिल्कुल, आपका माइंडसेट प्रिपेयर करके आओ कि मुझे वहाँ पर जाना है और काम करना है दबा के, और पढ़ाई करनी है दबा के. घर जाने की नहीं सोचना है हमें, सिर्फ अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके आना है कि हमें कुछ करके दिखाना है. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली भाई ने. अच्छा किया आपने मुझे काटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो प्लान करके आओ, और प्रॉब्लम्स तो होंगी बट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं. ये भाई हमारे सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और सामने खड़े हैं. बहुत अच्छा लगता है भाइयों को देख के. आई एम श्योर यू विल बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल भाई. और अगेन कुछ पूछो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो मेरे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में. इंस्टाग्राम आपको बताइए, मेरा आईडी बॉय है. कुछ भी बन और चाहते हो मैं वीडियोज़ बनाऊँ बताओ, और मैं लगा रहूँगा. भाई पहचानते रहेंगे और मजा आता रहेगा. थैंक यू सो मच भाई लोगों. थैंक यू. बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे. अरे नहीं, बहुत जेन्युइन इंसान है. अरे तुम लोग मिल जाते हो तो मजा आ जाता है बस. चलो गाइस, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय.